ऐसी भीड़ में काफी सारी चोरी भी हो जाती, तो आप लोग अपने मोबाइल का बिल्कुल से बिल्कुल ध्यान रखें। फिर इसके बाद प्रभु श्री राम जी के दर्शन करेंगे, हनुमान जी के दर्शन करेंगे। मैं अगर आपको अयोध्या के विकास की बात करूँ ना, ये देखिए गाइस अभी बहुत सारा काम बाकी, तो आप देख सकते हैं इस छोटे छोटे बच्चे हैं वो सांप लेके खेल रहे हैं। जय श्री राम सभी को। और मेरी दिल्ली से अयोध्या 700 किलोमीटर की पैदल यात्रा, यानी कि मैं अभी अयोध्या में हूँ। मुझे 22 दिन हो गए, आज है 23 जनवरी, और गाइस मैं पहुँच चुका हूँ अयोध्या। ये देखिए आप देख सकते हैं भाई सामने, बिल्कुल जय हिंद सर, जय श्री राम। तो ये देखिए गाइस, ये है प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव और ये है एंट्री गेट। और भाई काफी ज्यादा भीड़ है, आप देख सकते हैं काफी ज्यादा भीड़ है। ये देखिए गाइस पुलिस फोर्स बहुत ज्यादा है। जय श्री राम, जय जय श्री राम। सभी लोग रास्ता दे एम्बुलेंस को। जय श्री राम बाबा, जय। क्या हुआ बाबा, कोई मोबाइल छीन रहा है क्या? देखिए गाइस ऐसी भीड़ में काफी सारी चोरी भी हो जाती, तो आप लोग अपने मोबाइल का बिल्कुल से बिल्कुल ध्यान रखें। और ये निवेदन मैं भी अपने आप से मतलब करूंगा, मैं भी अपने मोबाइल का ध्यान रखूंगा। डर लगता है भाई मोबाइल चोरी होगा तो भाई क्या होगा। ये देखिए दोस्तों काफी सारे इंटरव्यू रिपोर्टर आपको रास्ते भर मिलते रहेंगे, और प्रशासन की कमी नहीं है भाई, प्रशासन बहुत स्ट्रिक्ट है आज। ये देखिए बस एक पुलिस वाले सर है किसी को चिल्लाते हुए, क्योंकि भाई वो बाइक जबरदस्ती यहाँ पे घुसेर रहे हैं, अंदर डाल रहे हैं, जो कि अंदर अलाउड नहीं है यहाँ पे इस एरिया पे बिल्कुल। ये देखिए कुछ, और यहाँ से भी रास्ता है, यहाँ से भी जा सकते हैं हनुमानगढ़ी। ये देखिए आप देख सकते हैं। तो चले गाइस अभी हम लोग को क्या है ना, अभी हम लोग को भाई नहाना है, और पहले सरयू नदी में नहाएंगे, फिर इसके बाद प्रभु श्री राम जी के दर्शन करेंगे, हनुमान जी के दर्शन करेंगे, तो फिर आपको भी दर्शन कराएंगे जरूर, जितना भी हो सकता है पॉसिबल सारे दर्शन जरूर कराएंगे। मैं अगर आपको अयोध्या के विकास की बात करूँ ना, तो भाई यहाँ पे बहुत ही ज्यादा विकास हो चुका है। मैं कहूँगा देख सकते हैं काफी ज्यादा चौड़ाई पे फुटपाथ बनाया गया है पैदल यात्रियों के चलने के लिए, और वो देखिए भाई 4 लेन रोड है, फिर उस तरफ भी इतना ही चौड़ा फुटपाथ है। तो भाई विकास अलग लेवल पे यहाँ पे हुआ है। और ये देखिए कुछ प्रभु श्री राम जी और जटायु जी, ये देखिए गाइस मतलब ऐसी ऐसी चित्रकला आपको हर जगह मिलेगी। हालांकि अभी ये कंप्लीट नहीं है, लेकिन धीरे धीरे कंप्लीट हो रही है। और अलग यार मजा आ रहा है अयोध्या में, उसका जो अनुभव है मुझे शायद जिंदगी भर याद रहेगा। ओके गाइस देख सकते हैं आप, गन देखो कितनी हैवी है। और दूसरी आप देख सकते हैं जो दोनों दोस्त हैं वो दिल्ली से 700 किलोमीटर का सफर करके जय श्री राम, जय श्री राम, प्रभु श्री राम चंद्र की जय। ये देखिए गाइस अभी बहुत सारा काम बाकी, तो आप देख सकते हैं भाई काम चल रहा है। जटायु जी और प्रभु श्री राम जी ने जैसे उनको गोद में ले रखा है, जब प्रभु जटायु जी ने अपने प्राण त्यागे थे रावण से लड़ते लड़ते। आप सामने देख रहे होंगे ये है लता मंगेशकर चौक, और भाई काफी ज्यादा सिक्योरिटी है यहाँ पे, हर जगह पुलिस प्रशासन NDRF ITBP सब मतलब सारे जवान आपको मिलेंगे जगह जगह से, भाई जितने भी जवान हैं भाई सुरक्षा के लिए। और ये देखिए और पीछे मैं आपको दिखाऊं, ये देखो आप पीछे भाई, पीछे काफी खूबसूरत नजारा आप देखने को मिल रहा होगा। ये है भाई लता मंगेशकर चौक, और हर एक खंबे पे हर एक जगह पे लिखा हुआ जय श्री राम, जय श्री राम, देख रहे होंगे। ये देखो गाइस छोटे छोटे बच्चे हैं वो सांप लेके खेल रहे हैं, मतलब भाई देखो प्रभु श्री राम जी। और ये देखो गाइस कुछ ऐसे सांप है, दिखाना बेटा थोड़ा सांप, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, सांप जा रहा है, देखो देखो सांप जा रहा है। ओहो हो, बोलो हर हर महादेव। भाई साहब सरयू नदी के किनारे जस्ट बैठे हुए हैं, और उसके किनारे बैठने का एक अलग ही सुकून मिल रहा है। और ये देखिए कुछ ऐसा है रेतीला रेतीला, और इधर आप देख सकते हैं भाई, ये देखिए ये सामने है जस्ट सरयू नदी किनारे। सारी थकान मिट जाएगी सच में, अब लग रहा है आज नहाऊंगा बस सारी थकान मिट जाएगी, और भीड़ इतनी नहीं है। ये देखिए सामने आप देखिए सामने, मतलब ज्यादा भीड़ नहीं है, आपको देख रहे हैं ज्यादा भीड़ बिल्कुल भी नहीं है। क्या कर रहा है? बाल धो रहा हूँ, बात धुल रहा है, ब्रश कर रहा है भाई, ब्रश भी नहीं लिया भाई, पानी सुना बाप रे। ओ भाई अबे भाई औकात के बाहर है पानी सच में भाई, बहुत ठंडक है भाई। ढकेल ढकेल आप अब तेरे ही जीवा। नहीं नहीं डुबकी नहीं लगा, मुड़िया नहीं लगा, तड़प गया पूरा शरीर भाई, सच में हिम्मत टूट गई भाई, बहुत ठंडा पानी था।
ये साला राजीव मेरा दोस्त दूसरा चैनल खोल के न्यूज रिपोर्टिंग वाला काम करने लगा राजीव। ये देखो गाइस, कोई एक सरकारी हेलीकॉप्टर गवर्नमेंट गया, कोई इसमें कोई बहुत ही बड़ा वीआईपी आदमी गया हुआ है। और आप देखिए यार, काफी ही खूबसूरत लग रहा है अभी अयोध्या नगरी। और ये देखिए भाई, काफी सारे झंडे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है। ओए सो फिलहाल गाइस, अभी हम आ चुके हैं गुरुद्वारे में और शाम होने वाली है बस कुछ ही देर में। तो गुरुद्वारे में भाई रहने को जगह मिल गई, तो अब हम मिलते हैं आपसे कल एक नई सुबह के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।